हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 मंथ सीरीज का अपॉइंटमेंट का पार्ट 1, जिसमें हम नवंबर और दिसंबर मंथ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली नवंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ हाई लेवल कमिटी टू एनहांस द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट institutions, the committee will be headed by dash. So इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा के राधा कृष्णन। क्या नाम है इनका? के राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 7 मेंबर एक्सपर्ट पैनल नेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ नेशनल ड्रग्स डेटाबेस टू मॉनिटर quality of medicines in India, who will be the head of the committee. So correct answer यहाँ पे क्या है? AK प्रधान इनका नाम है। So answer हो जाएगा option number D. So यहाँ पे जब भी किसी committee की बात होती है तो उसके member important होते हैं। ठीक है, committee का नाम अगर पता है तो वो भी याद रखना है, and किस चीज के लिए बनाई जा रही है तो वो भी। ठीक है, तो चार चीजें important है, 7 मेंबर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट और नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमिटी फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ नेशनल ड्रग्स डेटाबेस, किस चीज के लिए बनाई जा रही है, मॉनिटर करने के लिए मेडिसिन की क्वालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड सूरज भान एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। सो यहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है अपॉइंट किया है सूरज भान को चेयरमैन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है टेन्योर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया चीफ डॉक्टर वी जी सोमानी बाय डैश। सो कितने मंथ के लिए यहाँ पे इनका एक्सटेंशन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the personality who was appointed as a full-time member of a national institution for transforming India, that is Niti Aayog. So correct answer यहाँ पे आपका है option number B, Arvind Virmani को यहाँ पे full-time member जो है नीति आयोग का बनाया गया है, और इससे पहले 3 already members इसके थे, कौन कौन से, रमेश चंद, वी के सरस्वत एंड वी के पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ सुंदर रमन रामामूर्ति एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो सेबी ने जो है इनका अपॉइंटमेंट किया था, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, सेबी हैज रिकंस्ट्रक्टेड इट्स एडवाइजरी कमिटी पर्टेनिंग टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज, हु विल चेयर द 16 मेंबर एफपीआई एडवाइजरी कमिटी पैनल। सो जो आपके एफपीआई एडवाइजरी कमेटी पैनल है वो उसके हेड आपके कौन है, हसमुख अधिया। क्या नाम है इनका? हसमुख अधिया। वेरस जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पैनल आपका बना है उसके चेयरपर्सन कौन है, आर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ये 18 मेंबर की कमेटी है, और ये जो आर बाला सुब्रमण्यम है इन्होंने सक्सीड किसे किया है, इशाद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अपॉइंटेड रॉबर्ट ए ईगर एज इट्स सीईओ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, वॉल्ट डिज्नी ने इन्हें एज अ सीईओ अपॉइंट किया है, रॉबर्ट ए ईगर को। नेक्स्ट इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो नए इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन बने हैं, इनका नाम है अरुण गोयल, और अगर हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये है आपके राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है टेन्योर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर दैट इज ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा टिल डैश। सो 1 साल के लिए इनका जो है टेन्योर इंक्रीज किया गया था, टिल 18th of November 2023 तक। नेक्स्ट इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC। ONGC के नए चेयरमैन आपके कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, वरुण कुमार सिंह। क्या नाम है इनका? वरुण कुमार सिंह, और ये फॉर्मर आपके चेयरपर्सन है BPCL के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के आपके गवर्नर कौन बने हैं, इनका नाम है सीवी आनंदा बोस। क्या नाम है? सीवी आनंदा बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज KVIC। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, न्यू सीईओ कौन बने हैं KVIC के, तो इनका नाम है विनीत कुमार। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। सो यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो हमें ढूंढना है। सो जो संजय विनायक है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, ललित त्यागी बैंक ऑफ बड़ौदा के, विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक के, अशोक चंद्रा कैनरा बैंक के, एंड सुब्रत कुमार बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो तीनों में से देखो यहाँ पे मैंने पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ दे दिया है, क्या पता एग्जाम में आपको सिर्फ सिंगल ही पूछा जाए। ठीक है, तो याद रखना है ये सारी चीजें। आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D एंड 5 का E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दैट इज NDDB हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, मनीष सी शाह या MC शाह जो है इसके आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसियम जॉमार्ट
कैमिल्युली टोकायेव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ डैश। सो ये जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं कजाकिस्तान के, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर के एस जवाहर रेड्डी वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, समीर शर्मा को। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है, समीर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय नविकीय विद्युत निगम लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, केवी सुरेश कुमार जो है इनको बनाया गया है नए एमडी एंड सीईओ, किसका, भारतीय नविकीय विद्युत निगम लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर इकबाल सिंह बेन्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ डैश। सो इनका जो एक्सटेंशन किया गया है वो कितने टाइम के लिए किया गया है, आंसर आपका हो जाएगा दैट इज फॉर द 6 मंथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश वॉज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किसकी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इनका नाम क्या है, मेघना अलावत। क्या नाम है इनका, मेघना अलावत। और रिसेंटली न्यू सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं आपके टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिनका नाम क्या है, कमलेश मेहता। क्या नाम है, कमलेश मेहता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज अपॉइंटेड पद्मश्री अवार्डी प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है 2015 में दिया गया था, ठीक है, एंड ये जो है ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बने हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक तो इस टाइप से बन सकता है, स्टेट पूछ लिया, या फिर आपको नॉर्मली जैसे अपॉइंटमेंट होता है कि हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट। सो रिसेंटली जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, ताशी रबस्तन। क्या नाम है, ताशी रबस्तन। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अली मोहम्मद मागरे को। नाउ नेक्स्ट इज डायना एक्रिलिया बॉलूरेट जेगरा वॉज सॉन इन एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री की फीमेल प्रेसिडेंट ये बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट। सो आंसर आपका हो जाएगा पेरू की। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, पेड्रो कैस्टिलो को। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है, पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट इज डैश वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ बिजनेस 20, दैट इज B20 इंडिया, टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो इनका नाम क्या है, एन चंद्रशेखरन। क्या नाम है, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन नेम्ड द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज बाय द इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एट द सेरेमनी ऑफ द वर्ल्ड डायबिटिक कांग्रेस 2022 हेल्ड इन लिस्बॉन पोर्तुगल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, किसे जो है ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है डायबिटीज का। सो आंसर आपका हो जाएगा शेख हसीना, जो बांग्लादेश की आपकी पीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुष्मिता शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ओपनिंग ऑफिसर एट द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये जो है अपनी जो इनका टेन्योर है जो स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, मार्च 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बीन नेम्ड एज इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज निहार मालविया। इनका नाम क्या है, निहार मालविया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, भूपेंद्र पटेल वॉज सॉन इन एज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सो ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर आपके बने हैं, तो आंसर हो जाएगा 18th। ठीक है, 18 सीएम बने हैं ये गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज रिसेंटली इन दिसंबर नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीटी उषा। क्या नाम है इनका, पीटी उषा। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु वॉज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन फॉर अ 3 ईयर टर्म। सो 3 साल के लिए किन्हें, इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का, तो इनका नाम क्या है, सुनील, जो आपके प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज टेकन द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 7th of December। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम है शाहजी केवी। ठीक है, क्या नाम है, शाहजी केवी। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड डॉक्टर जेरमी फेरर एज इट्स न्यू चीफ साइंटिस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 2023। ही विल बी रिप्लेसिंग डैश हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट आफ्टर द 5 ईयर सेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी साइंटिस्ट को ये रिप्लेस करेंगे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौम्या स्वामीनाथन, जो इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ अ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन दैट इज एनएससी ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अ 3 ईयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, क्या नाम है, राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश वाज अपॉइंटेड एज अ इनॉग्रल सीईओ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, किसे इनॉग्रल सीईओ बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, सिंडी हुक। क्या नाम है, सिंडी हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी हु टुक एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 13 दिसंबर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, राजीव कुमार विश्नोई इनका नाम है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, यमुना कुमार चौबे को। ठीक है, एंड जो राजीव कुमार विश्नोई है ये करंटली सीएमडी है टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटे फ्रेडरिक्सन री इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड ईयर टर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये डेनमार्क के आपके पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर इलेक्टेड एज अ पीएम ऑफ डैश। सो जो इंडियन ओरिजिन की लियो वराडकर है ये पीएम बनी है आयरलैंड की। ठीक है, किसकी, आयरलैंड की ये पीएम बनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, मिशेल मार्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉमिनेटेड एज अ सेबी बोर्ड मेंबर। तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सनालिटी है जिन्हें सेबी बोर्ड मेंबर का रिसेंटली सेबी बोर्ड मेंबर जिन्हें बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज गोविल, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, राजेश वर्मा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड दैट इज AERB। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दिनेश कुमार शुक्ला को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन, किसका, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का, और इन्होंने रिप्लेस किने किया है, जी नागेश्वरा राव को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ पूमा इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुष्का शर्मा, एंड जो कैटरीना कैफ है एट प्रेजेंट ये ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, एक्वाफीना की, जो आपका पैकेज वाटर बॉटल आती है ना एक्वाफीना की, तो उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो ब्रांड किसका है, पेप्सिको इंडिया का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दैट इज NDIAC। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। क्या नाम है, जस्टिस हेमंत गुप्ता, और साथ में ही गणेश चंद्रू एंड अनंत विजय पाली जो है इन्हें पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है NDIAC का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, शमशेर सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO, किसका, SBI फंड्स मैनेजमेंट का। ठीक है, वेयर इज जो SBI जनरल इंश्योरेंस है उनका उसके CEO किससे बनाया गया था, किशोर कुमार पोलुदासू को, और यहाँ शमशेर सिंह ने जो है रिप्लेस किसे किया है, विनय M तोनसे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली इन दिसंबर एक्सटेंडेड द टर्म PN वसुदेवन एज इट्स MD एंड CEO फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, PN वसुदेवन जो है MD एंड CEO किसके हैं, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज, सिथी वेनी रबुका बिकेम द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। सो ये कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिजी के, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12th प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स बाय जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इन्होंने किसे नॉमिनेट किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा रिचर्ड वर्मा को। ठीक है, क्या नाम है इनका, रिचर्ड वर्मा, और रिचर्ड वर्मा जो है वो चीफ लीगल ऑफिसर है एंड हेड है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के एट द मास्टर कार्ड। क्वेश्चन आपका क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू PM ऑफ नेपाल। सो नेपाल के न्यू PM कौन बने हैं, इनका नाम है पुष्पा कमल दहल। क्या नाम है, पुष्पा कमल दहल, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, शेर बहादुर दुआबा को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे इनका दूसरा नाम जो है जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, इनका नाम क्या है, प्रचंडा। ठीक है, क्या नाम है, प्रचंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज नाही। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संतोष कुमार यादव को जो है चेयरमैन बनाया गया है नाही का, वेर इज सुभाषीष पांडा जो है रिसेंटली वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, वाइस चेयरमैन किसके बनाए गए हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वाइस चेयरमैन कौन बने हैं, सुभाषीष पांडा, एंड रिसेंटली गांजी कमला वी राव जो है ये CEO बने हैं आपके FSSAI के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड के न्यू CEO एंड चेयरमैन आपके कौन बने हैं, इनका नाम है अनिल कुमार लाहोती। क्या नाम है, अनिल कुमार लाहोती, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, विनय कुमार त्रिपाठी को।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट किसका, भास्कर बाबू रामचंद्रन का एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के जो एमडी एंड सीईओ, इनका टेन्योर 3 साल के लिए अगेन बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ एम्बेसडर ऑफ अ चेंज अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क एज अ स्टूडेंट मेंटोर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा कम्युनिटी। सो इनका नाम क्या है, विशाल मित्तल, क्या नाम है इनका, विशाल मित्तल, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी Who was crowned Mrs. World 2022 held in Nevada, USA? So, जो इस साल 2022 में मिसेस वर्ल्ड बनी है, इनका नाम क्या है, सरगम कौशल, क्या नाम है इनका, सरगम कौशल, और इन्हें क्राउन किसने पहनाया था, शेलन फोर्ड, जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, जो 2021 की मिसेस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना सू चॉय वॉज क्राउन मिस अर्थ 2022 एट द पेरेनक्यू फिलीपींस, मीना सू चॉय बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दो टाइप से अगेन बन सकता है, चलो पहले मैं आंसर बता देती हूँ, आंसर क्या है, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, और जो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, मिस अर्थ 2022 कौन बनी थी, तो मीना सू चॉय। ठीक है, बाकी अगर हम टाइटल देखें यहाँ पे, तो मिस फायर एंड्रा एलिगुरिया कोलंबिया की, मिस वॉटर नदीन आयोवा पैलेस्टीन, मिस एयर 2022 शेरन मोर्टलॉक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो वंशिका परमार है, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, हिमाचल प्रदेश से, इन्हें क्राउन किया गया है मिस अर्थ इंडिया 2022, तो इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट इंडियन जो मिस अर्थ बनी थी, जिन्होंने मिस अर्थ टाइटल लिया था, वो कौन थी, निकोल फेरिया इन 2010, ठीक है, 2010 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड ऑन द 50th ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल द टाइम लिस्ट ऑफ अ एम्पायर मैगजीन। ठीक है, सो इस मैगजीन में पहली बार, ठीक है, इंडिया के पहले ये इंडियन है जिनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, इनका नाम क्या है, शाहरुख खान, जो एक्टर है बॉलीवुड के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर रिसेंटली इन दिसंबर जॉइंस द 8 पीपल क्रू फॉर स्पेस एक्स मून ट्रिप डियर मून प्रोजेक्ट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो देव जोशी है बालवीर के एक्टर, इनको यहाँ पे एज अ 8 पर्सन जो है सेलेक्ट किया गया है, किसने, यूसाको मेजवा, जो जापानीज एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, बाकी अदर मेंबर्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है, डैश हैज बिकम इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग थर्ड एडिशन ऑफ ई आई लोबेग्रेड ओपन चेस टूर्नामेंट इन स्पेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 77th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के, तो इनका नाम है आदित्य मित्तल, क्या नाम है, आदित्य मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन फॉर द ईयर 2022, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सिक्योर डैश रैंक इन द लिस्ट। सो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में यहाँ पे आपकी जो है निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका भी नाम शामिल था और इनकी रैंक थी 36th रैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, और साथ में इनके साथ साथ 5 और ऐसे मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स जो इस लिस्ट में शामिल थी, कौन कौन सी है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जो चेयरपर्सन है एचसीएल की, मदाबी पुरीवुश जो सेबी की आपकी चेयरपर्सन है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, सोमा मंडल चेयरपर्सन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, किरण मौजूमदार शॉ बिटकॉइन एग्जीक्यूटिव की चेयरपर्सन है, एंड फाल्गुनी नायर जो सीईओ है नायका की, इनका नाम भी यहाँ पे शामिल था। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड वन मोर थिंग, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड वी आर ओपन टू सजेशन, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com।